प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म में भगवान राम, माता सीता और हनुमान के साथ रावण के लुक्स की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बकायदा चिट्ठी लिखकर मेकर को चेतावनी दे दी है। धस जाए धरती या चटक जाए आकाश, आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। सुपरस्टार प्रभास की आदि पुरुष पर हंगामा, आस्था पर कुठारा घात, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो गया है और रामायण पर आधारित आदि पुरुष का टीजर रिलीज होते ही महाभारत भी छिड़ गया। फिल्म में हनुमान और रावण के लुक को लेकर एक तरफ जहां हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चिट्ठी लिखकर फिल्म के मेकर को चेतावनी दे दी है। उन्होंने फिल्म के कई सीन्स पर आपत्ति जताते हुए इसमें बदलाव करने की मांग कर दी है। लेटर में उन्होंने लिखा, फिल्म में कई सीन आपत्तिजनक है जिनसे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई है। किसी भी फिल्म निर्माता से हमारे आराध्य भगवानों का इस तरह से चित्रण करने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस फिल्म को देखकर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। आपसे मेरा आग्रह है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म में इस तरह के सीन को हटाया जाए और भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। गौरतलब है कि फिल्म में जिस तरह से हनुमान के अंग वस्त्र को चमड़े का दिखाया गया है, जबकि माता सीता को ज्वेलरी और मेकअप के साथ पर्पल साड़ी में दिखाया गया है, वहीं प्रभु राम का किरदार निभा रहे प्रभास को चप्पल पहने दिखाया गया है, इस पर हिंदुवादी संगठनों ने भारी विरोध जताया है। हालांकि ये पहली फिल्म नहीं है जिसका मध्य प्रदेश में इस तरह से विरोध हो रहा है। इससे पहले भी कई फिल्मों का खोलकर विरोध किया गया है। अजय देवगन की थैंक गॉड का विरोध। अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त का चरित्र गलत तरीके से पेश करने के कारण एमपी में जमकर विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, भोपाल के मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक्टर अजय देवगन और निर्माता इंद्र कुमार ईरानी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। फिल्म मेकर लीना मणि मेकलाई के खिलाफ अकेले एमपी में 2 FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। वहीं हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अपने बयानों के कारण उज्जैन महाकाल मंदिर का दर्शन नहीं करने दिया गया। हिंदुवादी संगठनों के भारी विरोध के कारण दोनों को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा था। जाहिर है आदि पुरुष में दिखाए गए ऐसे सीन्स के कारण अब इसके बायकॉट की भी मांग उठने लगी है। न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। इस फिल्म में एक विवाद रावण का किरदार निभा रहे अभिनेता सैफ अली खान के लुक्स को लेकर भी है। लोगों का कहना है कि फिल्म में जिस तरह का लुक सैफ अली खान को दिया गया है, वो कहीं से भी रावण नहीं दिखते हैं, बल्कि उनका ये लुक तैमूर और खिलजी जैसा लगता है। बहरहाल अभी तो फिल्म का टीजर ही रिलीज हुआ है। और बवाल शुरू हो गया। ऐसे में अब देखना होगा कि फिल्म के मेकर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर इन सीन्स का बदलाव करते हैं या नहीं। टीम न्यूज़ 10।